हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कंप्यूटर शिक्षकों की सरकारी भर्ती करे सरकार, भाटी संविदा व अनुबंध भर्ती बेरोजगारों के लिए अभिशाप। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष दशरथ सिंह भाटी ने राजस्थान सरकार को ज्ञापन भेजकर कंप्यूटर शिक्षकों की सरकारी भर्ती करने की मांग की। महासंघ से मीडिया प्रभारी गोपाल सिंह राव ने बताया कि राजस्थान में कंप्यूटर शिक्षा जी का जंजाल बनी हुई है। प्रदेश की सरकारी स्कूलों तथा महाविद्यालयों में एक भी कंप्यूटर शिक्षक का पद सृजित नहीं है। कंप्यूटर शिक्षा के बारे में लोग लुभावनी बातें करने वाली गहलोत सरकार तथा पूर्व की सरकार ने विगत 13 वर्षों से कंप्यूटर शिक्षा की शुरुआत के बाद भी कंप्यूटर शिक्षकों की सरकारी भर्ती नहीं की है। सरकारी स्कूल तथा कॉलेजों की कंप्यूटर लैबों पर अधिकांश जगह ताले लटके रहे हैं। सरकार निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती नजर आ रही है। सरकार ने स्कूली शिक्षा व महाविद्यालय शिक्षा में कंप्यूटर के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के पद सृजित किए गए हैं। राज्य के प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालयों में कहीं कहीं अनुबंध के आधार पर प्रशिक्षित कंप्यूटर शिक्षक लगे हुए हैं, लेकिन उनका भविष्य भी अदर झूल में है। अल्प मानदेय देकर कंप्यूटर शिक्षकों का शोषण किया जा रहा है। अनुबंध पर लगे कंप्यूटर अनुदेशक संघर्ष यात्रा में उनके धरने प्रदर्शन पर स्थायीकरण की मांग कर चुके हैं। कंप्यूटर शिक्षकों ने विधानसभा का घेराव भी किया था, लेकिन उपलब्धियां शून्य रही। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धरने पर आकर के कंप्यूटर शिक्षकों को सरकारी नियुक्ति का भरोसा दिया था। गहलोत सरकार के 3 वर्ष होने जा रहे हैं, लेकिन आज भी कंप्यूटर शिक्षकों की सरकारी भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। गहलोत ने 10,000 के लगभग संविदा पर कंप्यूटर शिक्षक लगाने की घोषणा की है, जिसकी जगह सरकारी भर्ती करने की महासंघ मांग करता है। संविदा तथा अनुबंध के आधार पर भर्ती बेरोजगारों के लिए अभिशाप है। संविदा तथा अनुबंध पर लगे मानदेय कर्मियों का अनुभव बहुत ही दुखदायी है। 1 दशक से ज्यादा सेवा देने के बावजूद भी संविदा व अनुबंध के आधार पर लगे बेरोजगारों की सूद सरकार नहीं लेती है। इस डिजिटल युग में राजस्थान सरकार के 18,000 से ज्यादा विद्यालयों में कंप्यूटर सिस्टम उपलब्ध है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इन विद्यालयों में एक भी कंप्यूटर शिक्षक का पद सृजित नहीं है। सरकार ने कंप्यूटर शिक्षा की शुरुआत 2008 में कर दी थी, लेकिन 13 वर्ष के बाद भी कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती नहीं करना तथा पद सृजन नहीं करना दुर्भाग्यपूर्ण है। महासंघ के जिला अध्यक्ष दशरथ सिंह भाटी ने स्थायी सरकारी भर्ती करने की सरकार से पुरजोर मांग की है। सरकारी भर्ती में कंप्यूटर शिक्षक, वरिष्ठ कंप्यूटर शिक्षक, कंप्यूटर व्याख्याता तथा महाविद्यालय में कंप्यूटर प्राध्यापक के पद सृजित कर लगाने की गुहार शक्ति सिंह कुमावत, देवी सिंह, शंकर लाल मीना, विमला सुथार, संपत चौधरी, विनोद कुमार सहित महासंघ के दायित्वदान कार्यकर्ताओं ने की। जागरूक टीवी की पोसाले से कल्पना माली की रिपोर्ट।